हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वी आर हियर विद दी साइंस ऑफ क्लास सेवेंथ चैप्टर नंबर फाइव एसिड्स बेसिस एंड सॉल्व माय डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने चैप्टर नंबर फाइव के एक्सरसाइज के फर्स्ट फाइव क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे आज हम लोग इस पार्ट में रिमेनिंग क्वेश्चन इस चैप्टर के आगे के डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं सो माई डे स्टेंट्स टुडे क्वेश्चन नंबर सिक्स से हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे सो लेट्स बिगेन विथ क्वेश्चन नंबर सिक्स मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स ट्रू और फॉल्स आप लोगों को बताने यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं uh, तो ध्यान से पढ़ेंगे हर एक स्टेटमेंट को नाइट्रिक एसिड रेड लिटमस ब्लू माइ डिट्स दिस स्टेटमेंट इज वॉट फॉल्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज एसिड कैन नॉट टर्न रेड लिटमस ब्लू बट एसिड कैन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड ब्लू टू रेड होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता बट यहाँ पर रेड टू ब्लू बोला है रेड लिटमस को ब्लू में सो तो एसिड्स नहीं करते हैं बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं सो दिस इज एसिड सो दिस स्टेटमेंट इज वॉट फॉल्स ये स्टेटमेंट आपका क्या है फॉल्स है नेक्स्ट सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ब्लू लिटमस रेड सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का नेचर क्या है बेसिक नेचर का है और बेस क्या करते हैं रेड लिटमस को ब्लू में करते हैं और यहां पर ब्लू टू रेड दिया है सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोआक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर सोडियम हाइड्रोआक्साइड बेस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है एंड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर येस सो दिस स्टेटमेंट इज वॉट ट्रू बेस और एसिड की जब रिएक्शन होती है सो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होते हैं सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू नेक्स्ट इंडिकेटर इज़ अ सब्सटेंस विच सोस डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस यस इंडिकेटर्स का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं किसी भी सॉल्यूशंस के एसिडिक एंड बेसिक नेचर को जानने के लिए और ये एसिड और बेसिक नेचर के साथ इंडिकेटर्स क्या करते हैं अलग अलग कलर देते हैं सो तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है नेक्स्ट टूथ डिके इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ अ बेस बेस के कारण टूथ डके होता है सो माय डियर स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट भी क्या है फॉल्स है एसिड्स के कारण क्या होता है टूथ डेके होता है एसिड जब एसिड इफेक्ट करता है टूथ पे गम्स uh, पे तो टूथ क्या होते हैं डैमेज होते हैं सो दिस स्टेटमेंट इज वॉट फॉल्स सो ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स सो इन दिस वे यू कैन मार्क टी एंड एफ अगेंस्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन दोर्जी हैज अ फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड सॉफ्ट ड्रिंक है बट लेबल्ड नहीं है ही हैज टू सर्व द ड्रिंक ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर वन कस्टमर वॉन्ट्स एसिडिक ड्रिंक अनदर वॉन्ट बेसिक ड्रिंक एंड थर्ड वन वांट्स न्यूट्रल ड्रिंक तो हाउ विल दोर्जी डिसाइड विच काइंड विच ड्रिंक इज़ टू बी सब टू होम तो माई डियर स्टेंट्स यहाँ पर uh, यहाँ पर हम लोग इसको लिटमस uh, से टेस्ट कर लेंगे बाय लिटमस टेस्ट वी कैन फाइंड विच ड्रिंक इज एसिडिक विच ड्रिंक इज बेसिक एंड विच वन इज न्यूट्रल ये हम लोग लिटमस टेस्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट एक्सप्लेन वाई आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं उसके अगेंस्ट में आप लोगों को उसके लिए एक्सप्लनेशन uh, देना है सो एक्सप्लेन एन एंट एसिड टैबलेट इज टेकन वेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी जब भी आपके स्टमक में एक्सेस अमाउंट में एसिड रिलीज होता है तो एसिडिटी होती है और एसिडिटी के लिए हम लोग एंट एसिड लेते हैं क्यों लेते हैं इसका रीज़न आप लोगों को देना है सो माई डे फ्रेंड्स प्रीवियस पार्ट्स में हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन इन एवरी डे लाइफ में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था इंडाइजेशन की जो प्रोसेस है सो तो आपकी ही बुक में पेज नंबर फिफ्टी फाइव पर यह आंसर दिया हुआ है सो तो डिस्कस करते हैं पेज नंबर फिफ्टी फाइव पर यह आंसर है आप लोगों के पेज नंबर फिफ्टी फाइव पर फर्स्ट ही पैराग्राफ में अंडर टाइटल न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ इन में यहाँ पर दिया हुआ है टू रिलीव इन डाइजेशन वी टेक एन एंटेसिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन मैगनीशियम हाइड्रो ऑक्साइड इट न्यूट्रलाइज दी इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड सो दिस इज द आंसर दिस इज द रीजन दैट्स वाई वी टेक एन टैसेड टैबलेट हम लोग एंटीसिड टैबलेट्स को लेते हैं या फिर इसके पाउडर फॉर्म में डिजॉल्व करके हम लोग लेते हैं ताकि जो एक्सेसि एसिड्स uh, है उसको ये न्यूट्रलाइज कर सके उसके इफेक्ट को ये न्यूट्रलाइज कर सके सो इन दिस वे यू कैन राइट द आंसर इन योर नोटबुक दिस इज वॉट एट ए का ये आंसर है क्वेश्चन नंबर एट का ए वाले का ये आंसर है नेक्स्ट नेक्स्ट बी पार्ट कैलेमाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन दी स्किन वैन आंट बाइट सो यहां पर भी न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ कैलेमाइन uh, सॉल्यूशन को क्यों अप्लाई करते हैं जब आंट वाइट करते हैं सो आंट वाइट कंटेन एसिड अगेन सेम पेज नंबर पेज नंबर फिफ्टी फाइव पर ही इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा तो so, डिस्कस करते हैं कि कैसे आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है वैन एन आंट बाइट इट इंजेक्टेड एसिडिक लिक्विड दैट मीन्स फॉर्मिक एसिड इन टू दी स्किन Uh, यहाँ से आप लोग पूरा आंसर लिखेंगे द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलेमाइन सॉल्यूशन बिच कंटेंट जिंक कार्बोनेट ये उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग कैलेमाइन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं सो दिस इज़ द आंसर ऑफ ए बी बी पार्ट वाले का ये आंसर है ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को उस स्टेटमेंट uh, के रिगार्डिंग आप लोगों को ये स्टेटमेंट देना होगा यही आप लोग लिख सकते हैं इसका आंसर नेक्स्ट नेक्स्ट सी फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू दी वाटर बॉडीज फैक्ट्री वेस्ट जो होता है वो एसिड कंटेन करता है और उसको वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज करने के पहले न्यूट्रलाइज़ करना क्यों इम्पोर्टेंट है सो अगेन न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ में इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा फैक्ट्री बेस्ड दिस इज आंसर एट सी देश ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड पूरा आप लोग को जितना भी अंडरलाइन कर रहे हैं यही आंसर हो सकता है इसको आप लोग अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं द बेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिडिट दे इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इन टू वॉटर बॉडीज द एसिड्स विल किल फिस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स दी फैक्ट्रीवेट्स आर देयर फोर न्यूट्रलाइज बाई एडिंग बेसिक सब्सटेंसेज सो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ ही आप लोगों का आंसर होगा जो स्टेटमेंट आपसे दिया दिया हुआ है उसके रिगार्डिंग आप लोग ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आप लोग अपने आंसर्स में लिख सकते हैं सो दिस इज़ दंसर ऑफ एर्ट्थ ए सेम पेज पर आप लोगों को आंसर्स मिलेंगे एर्थ ए एर्ट बी एंड एट्थ क्वेश्चन का जो सी पार्ट है उसके सॉल्यूशन आप लोगों को पेज नंबर फिफ्टी फाइव पर आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन नाउ माइ डे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नाइन थ्री लिक्विड्स आर गिवन टू यू वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड अनदर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड थर्ड इज सुगर सॉल्यूशन हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैम इफ यू हैव ऑन टर्मरिक इंडिकेटर अगर आपके पास टर्मरिक इंडिकेटर है माय डियर सोमाइडिशेंट्स आप लोगों ने पढ़ा है कि एसिड्स के साथ जो टर्मरिक इंडिकेटर है वो फेड हो जाता है दैट मीन्स लाइट येलो आपको कलर मिलता है कोई चेंज नहीं मिलता बट जब बेस के साथ टर्मरिक रिएक्ट करता है तो ये डार्क ब्राउन कलर रेड ब्राउन कलर आप लोगों को देता है तो उससे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं ये एक्टिविटी आप लोगों के बुक में ही आगे दी हुई है टर्मरिक एज अ इंडिकेटर में तो वही यहाँ पर है ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो इसको आप लोग अपनी नोटबुक में नहीं भी लिखेंगे आप इसका आंसर याद नहीं भी करेंगे तो चलेगा ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन ब्लू लिटमस पेपर इज़ डिप्ड इन आ सॉल्यूशन इट रिमेन्स ब्लू वॉट इज़ द नेचर ऑफ़ द सॉल्यूशन अगर ब्लू लिटमस को किसी सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो ब्लू ही रह जाता है तो आप इससे क्या कह सकते हैं क्या आइडेंटिफिकेशन uh, आप लोग इससे कर सकते हैं सोमाई डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर दो तरीके के ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं दो तरीके से यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं कि एक तो सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल हो सकता है क्योंकि कोई भी कलर आप लोगों को नहीं मिल रहा है या तो फिर दूसरा ये है कि ब्लू लिटमस को आप लोगों ने यूज़ किया है और ब्लू लिटमस अगर आप लोगों का आ, कलर चेंज नहीं कर रहा है दैट मीन्स वो बेसिक नेचर का भी हो सकता है बिकॉज आप लोगों ने ब्लू लिटमस टेस्ट के बारे में पढ़ा था कि जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं सो वो सॉल्यूशन बेस नेचर का हो सकता है क्योंकि ब्लू ही लिटमस आपने लिया है तो उसका कलर चेंज नहीं मिलेगा सो तो क्या इंडिकेटर इंडिकेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल रहे हैं सो कैसे आप लोग इस क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं उसको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व ऑन दी बेसिस ऑफ फॉलोइंग आइडेंटिफिकेशन बेसिस चेंजिस द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू एज हियर वी यूज ब्लू लिटमस ऑल्सो इट रिमेन्स ब्लू इन दॉल्यूशन सो दॉल्यूशन मे बी बेसिक सॉल्यूशन क्या हो सकता है बेसिक नेचर का हो सकता है मे बी be लगाएंगे बिकॉज आपको कन्फर्म नहीं है कि सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का तो नहीं है यह आपको पता लग गया बट बेसिक नेचर का है या नहीं ये कन्फर्म आप लोगों को नहीं हो सकता नाउ इफ़ सॉल्यूशन इज न्यूट्रल इवन दी कलर ऑफ लिटमस विल नॉट चेंज अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तब भी कलर चेंज नहीं होगा सो so, ये दो आइडेंटिफिकेशन आप लोग कर सकते हैं कि सॉल्यूशन मे भी बेसिक हो सकता है या मे भी न्यूट्रल हो सकता है सो इन दिस वे यू कैन राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर आप लोग इस तरीके से लिखेंगे नाउ लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन में कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनको इसको आप लोगों को रीड करना है बोथ एसिड्स एंड बेस चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर आप लोगों के यहाँ पर सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और आपको बताना है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट तो पढ़ते हैं एक बार सारे स्टेटमेंट्स को बोथ एसिड्स एंड बेस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स सो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इफ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विथ एन एसिड इट डज नॉट गिव अ चेंज विथ अ बेस ऐसा नहीं है कि वो बेस के साथ देगा अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन भी हो सकता है सो दिस स्टेटमेंट इज वॉट फॉल्स नाउ इफ एन इंडिकेटर्स चेंज कलर विथ बेस इट डज नाट चेंज कलर विथ एन एसिड दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो फॉल्स क्योंकि वो न्यूट्रल सॉल्यूशन भी हो सकता है ज़रूरी नहीं है कि वो एसिड ही हो देन डी चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर यस ये भी आपका करेक्ट है कि टाइप पर डिपेंड करता है कि इंडिकेटर आपने कौन सा इंडिकेटर यूज़ किया है उससे आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि जो कलर आप लोगों को मिलना है वो क्या होगा एसिड के साथ कुछ और कलर देंगे बेस के साथ कुछ और कलर देंगे आप लोगों ने चाइना रोज के बारे में पढ़ा था वो अलग कलर देता है लिटमस अलग कलर देता है टर्मरिक अलग कलर देता है सो so, इंडिकेटर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि जो कलर का चेंज होगा वो कैसे होगा सो माई डिस्ट्रेंट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू सो विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑल फोर ट्रू हैं नो ए एंडी यस ए एंड डी इज़ ट्रू सो दिस स्टेटमेंट इसका जो आंसर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का ये सेकेंड वाला होगा ये आपका करेक्ट है बी सी एंड डी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो ही फॉल्स हैं और डी ओनली करेक्ट नहीं है साथ में ए भी करेक्ट है सो so, हमारा एक ही आंसर यहाँ पर मैच हो रहा है दैट इज टू एंड डी सो दिस इज हाउ यू हैव टू कम्प्लीट ऑल दीज एलेवें क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर फाइव एसिड्स बेसिस एंड सॉर्ट्स सो माई डियर स्ट्रेंड्स आई होप आप लोगों ने ये चैप्टर अच्छे से इन्जॉय किया होगा uh, आप लोग इसको कम्प्लीट भी कर लेंगे सो माई डर स्टूडेंड्स दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास विथ सिक्स चैप्टर ऑफ योर सिलेबस थैंक यू हैव अ नाइस डे